कृषि हो, स्पेस हो, डिफेंस हो, सर्वत्र ये प्रगति भी हमने देखी है। और इसलिए हमको बड़ा आनंद लगता है कि हम आगे बढ़ रहे, और केवल भौतिक बातों में नहीं, राष्ट्र का पुरुषार्थ उस राष्ट्र की अपनी धरोहर के आधार पर अपने वैश्विक प्रयोजन के सिद्ध करने वाले आदर्शों के आधार पर होती है। उनको हम देखते, उनका अनुकरण करते, तब आगे बढ़ते। हमारे संविधान के पृष्ठ पर जिनका चित्र है, वो हमारे राष्ट्रीय आदर्श भगवान राम, उनके बाल स्वरूप का रामलला का मंदिर अयोध्या में बनने जा रहा है। अपने मंदिर में रामलला प्रवेश करने वाले हैं 22 जनवरी को। यह प्रसंग हम देखने वाले हैं। उसमें सब लोग तो आ नहीं सकेंगे, सुरक्षा की बात रहेगी, वहां के व्यवस्थाओं की बात रहेगी, धीरे धीरे बाद में जाएंगे अपनी अपनी सुविधा से। परंतु उस दिन अपने सारे देश में हम अपने अपने जगह अपने छोटे छोटे मंदिरों में ऐसा वातावरण बना सकते हैं। भगवान राम धर्म की मर्यादा के प्रतीक है, समाज में सब लोगों को अपनाने वाले भगवान राम थे। भगवान राम करुणा के प्रतीक है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए ऐसा आत्मीयता का, सर्वसमावेशकता का, समरसता का, प्रेम का, स्नेह का वातावरण, धार्मिकता का वातावरण सर्व देश में बने, ऐसे छोटे छोटे कार्यक्रम अपने जगह पर तो हम कर ही सकते हैं। परंतु ये सारे प्रसंग भारत का एक अमृत काल देखने का सौभाग्य हम सबको मिला है। और इसलिए शताब्दियों की संकट परंपरा को पार हमने किया है और हम आगे बढ़ रहे हैं, ऐसा ध्यान में आता है। हमने सदाचार अहिंसा की शिक्षा देने वाले भगवान महावीर जी का 2550वां वर्ष हम संपन्न कर रहे हैं। हिंदवी स्वराज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज, इनका 350वां वर्ष हम संपन्न कर रहे हैं। महर्षि दयानंद सरस्वती, जिन्होंने अंग्रेजों के गुलामी से मुक्त होने के लिए, योग्य बनने के लिए हमको फिर से अपने मूल की ओर खींचा और उसकी स्पष्ट और यथार्थ कल्पना दी, रूढ़ी कुरीतियों को बाजू रखकर वास्तविक अर्थ क्या है वो बताया, उनका 200वां वर्ष हम संपन्न कर रहे हैं। ऐसे ही रानी दुर्गावती, भारतीय महिलाओं की शक्ति, उद्यम, साहस, धैर्य, बुद्धि, शक्ति, पराक्रम, प्रशासकीय कुशलता, प्रजाहित दक्षता, इसका परिचय देने वाली, उनका 500वां वर्ष, और साथ साथ भक्ति का परिचय देने वाली संत मीराबाई, इनका 550वां वर्ष, ये अभी हम संपन्न करने वाले हैं, आगे उनका वर्ष है। ऐसे ही अपने राजनीतिक प्रशासन की कुशलता के साथ साथ, प्रजाहित दक्षता के साथ साथ, जो अपने जीवन को सामाजिक विषमता के निर्मूलन के लिए लगा चुके, ऐसे है कोल्हापुर के छत्रपति शाहू महाराज का, उनका भी 150वां जयंती वर्ष हम मना रहे। अभी अभी हमने संपन्न किया, तमिलनाडु में एक संत हो गए वल्ललार जी, श्री रामलिंगम वल्ललार जी, उन्होंने अपने जवानी से ही स्वतंत्रता की अलख समाज में जगाना प्रारंभ किया। उन्होंने कहा कि हमारे देश में जो दरिद्रता दिख रही, भूखे लोग दिख रहे हैं, वो अंग्रेजों के गुलामी के प्रतीक है, और उसका उपाय मैं करूंगा। तो उन्होंने पहले अन्नदान प्रारंभ किया। उस समय तमिलनाडु में जो चूल्हा उन्होंने अन्नदान के लिए जगलाया, वो आज भी जल रहा है और वहां अन्नदान कार्यक्रम चल रहा है। आध्यात्मिक सांस्कृतिक जागृति के आधार पर सामाजिक समता और स्वतंत्रता का संदेश देने वाले
वल्लार जी की भी 200वां वर्ष अभी अभी संपन्न 9 अक्टूबर में पूरा किया। इन सब महापुरुषों के द्वारा हमको ये संदेश मिलते हैं सामाजिक समरसता के, स्व के गौरव के, अपने परंपरा के, दुनिया को देने के लिए हमारे पास क्या क्या है उसके। जैसे हमारे प्रमुख अतिथि जी ने उल्लेख किया, हमारे हर बात में हमारा स्व है, संगीत में है, अन्न में है, सारी बातों में है। उसको दुनिया को देने का समय आ गया है और इसलिए उस स्व का गौरव धारण करके स्व के आधार पर देश का एक यशस्वी जीवन खड़ा करके बताना संपूर्ण दुनिया को, ये हमारा कर्तव्य बनता है। और उसके साथ साथ वो आज के विश्व की आवश्यकता भी है। आज का विश्व 2000 साल सुख की खोज में अनेक प्रकार के प्रयोग करके थक गया और वो कहता है कि हमको रास्ता चाहिए, क्योंकि विश्व में अनेक समस्याएं जिनका हल उनको नहीं मिला। स्वार्थ और कट्टरपन के चलते कलह चलते हैं, उसका कोई हल नहीं दिख रहा। विश्व ने प्रयास किया सबको एक रंग में घोलने का, सब में यूनिफॉर्मिटी लाने का, एकरूपता लाने का, वो यशस्वी हो नहीं सकता, क्योंकि सृष्टि बनी है विविधता, वो विविध ही रहेगी। विविधता में एकता कैसे आएगी, उसका कोई आधार उनके पास नहीं है। और इसलिए स्वार्थ तो रहता ही है, कट्टरपन भी रहता है, उसको चलते एक उन्माद पैदा हो जाता है, अहंकार पैदा हो जाता है, उसके संघर्ष चल रहे हैं। स्वार्थों के टकराव और अतिव्यादिता के कारण युद्ध चलते हैं, उसका कोई उपाय नजर नहीं आता। प्रकृति विरुद्ध जीवन शैली, जीवन में स्वैरता, अनिर्बंध उपभोग, आत्यंतिक व्यक्तिवाद, अमर्याद शोषण, अधूरी दृष्टि के कारण उपजने वाले ये सारे दोष है, उसके चलते जो समस्याएं पैदा हुई है पर्यावरण की वगैरह, विश्व को उसका रास्ता नहीं दिख रहा है। और उसकी भी अपेक्षा है कि भारत रास्ता दिखाए, भारत को अपने देश में इन समस्याओं का निराकरण करके रास्ता दिखाना होगा। अपने देश में भी ये समस्याएं हैं, समस्याएं हैं बड़ी बात नहीं, समस्या होना कोई गलत नहीं, जीवन में समस्या रहती है। और हम आज दिखा रहे हैं कि हम सामना करके उन समस्याओं का उपाय करेंगे। हमारे यहां भी रहती है समस्या, पर्यावरण की समस्या हम देखते हैं, संकट हम पर भी है। अभी हिमालय क्षेत्र में जोशीमठ में घटनाएं हुई, हिमाचल प्रदेश में घर धसने लगे, उत्तराखंड में हुआ, पूरे हिमाचल क्षेत्र में ये जो प्रकृति का प्रकोप दिखता है, चर्चा करते लोग कि क्या होगा, यहां भी गड़बड़ हुई तो कैसे होगा, कोई बड़ा संकट आने वाला है क्या। आने वाला होगा तो होगा, लेकिन डरने की क्या बात है, उसका उपाय करने की बात है। महत्वपूर्ण क्षेत्र है, हमारी उत्तर सीमा इस क्षेत्र से बनती है, हमको सीमा सुरक्षा का भी विचार करना पड़ेगा। इस क्षेत्र में उत्तर भारत की सारी बड़ी नदियां जल लाती है, चीन को भी जल ले जाती है, दक्षिण पूर्व एशिया को भी जल ले जाती है। इस क्षेत्र का खराब होना इसका मतलब हमारी जल व्यवस्था का खराब होना होता है, तो जल सुरक्षा का भी विचार करना पड़ेगा, पर्यावरणीय स्वास्थ्य का भी विचार करना पड़ेगा। उत्तर को हिमालय की दीवार खड़ी है, इसलिए हमारे यहां 6 ऋतु चलते हैं, वर्षा होती है मौसमी हवाओं के कारण, वो हवाएं वहां टकराती है फिर से भारत में वापस आती है, जाते समय आते समय वर्षा होती है। इसमें अगर बदल हुआ तो पर्यावरण का संकट भी है। और इसलिए दक्षिण पूर्व एशिया की दृष्टि से, भारत की सुरक्षा की दृष्टि से उस क्षेत्र में चीन दस्तक दे रहा है। जल सुरक्षा, पर्यावरणीय सुरक्षा, सीमा की सुरक्षा,
कुल मिलाकर अपने देश के स्वास्थ्य के लिए उस हिमालय क्षेत्र का एक क्षेत्र के नाते अलग सा विचार करते हुए इसको कैसे करना, इसको हमको तय करना पड़ेगा। ये तो एक क्षेत्र विशेष की समस्या हो गई। Z News.